हाय दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल बटन को ताकि अपडेट्स पहले आपको मिले, बिल्कुल फ्री है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप टॉप सेवन पेन बेस्ट फिशेस, लो मेंटेनेंस फिश जो हर कोई खरीद सकता है। फिशेस ऐसे तो कॉस्टली होते हैं, लेकिन वो फिशेस जो बहुत चीप होते हैं और आप उसको आसानी से रख सकते हैं, और बेस्ट फिशेस भी। ऐसे तो बहुत से चीप फिशेस हैं, लेकिन मैं बस वही फिशेस के टॉप लिस्ट में लिया हूँ जो बेस्ट हो और चीप भी हो। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे इसके बारे में। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, सयाश चैनल, जिसमें आप सबको फिशेस के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ आता रहता हूँ, आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे टॉप सेवन चीप एंड बेस्ट लो मेंटेनेंस फिश फॉर योर एक्वेरियम। अगर आप चीप फिशेस को ख़रीदना चाहते हैं जो ईजी है और इसकी केयर भी जो है इजी है, और आसानी से फिशेस जो बहुत ज़्यादा दिन तक रहे, चीप एंड बेस्ट हो और लो मेंटेनेंस फिश को आप रख सकते हैं। टॉप सेवन फिशेस हैं, उसमें पहला है बेटा फिश। बेटा फिश बहुत इजी है और पॉपुलर है, हर कोई स्टार्टर जो है इस फिशेस को ख़रीदना पसंद करता है। इनके लिए कोई अलग फिल्ट्रेशन या हीटर की ज़रूरत नहीं, आप इसको स्मॉल बॉल में भी रख सकते हैं। और ये फिशेस हफ्ते में एक बार 25% पानी चेंज करें तो काफ़ी है। फिशेस आप कहीं भी रखें, फिशेस आसानी से रह जाएगी विदाउट एनी मेंटेनेंस। और दूसरा है टेट्रास। टेट्रास बहुत परफेक्ट है बिगिनर्स के लिए, वो ब्राइट फुल कलर होते हैं और कलरफुल फिशेस हैं जो बहुत एक्टिव रहते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है, फन भी इस फिशेस को देखने के लिए आसानी से कि ये फिशेस एक साथ स्विम करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप इस फिशेस को स्कूलिंग में रखें, 5 से 6 फिशेस रखें, इससे कम ना रखें वरना फिशेस सीख हो जाएंगे। और टेट्रास फिशेस बहुत पीसफुल फिशेस हैं, इसमें बहुत से वेराइटीज़ भी हैं और इसको आप कम्युनिटी टैंक में रख सकते हैं, लेकिन टेट्रास फिशेस ज़्यादा प्लानेट एक्वेरियम में रहना पसंद करते हैं। और तीसरा गप्पीज। गप्पीज भी बहुत ब्यूटीफुल फिशेस है और बहुत कलरफुल होती है, और इनके पर जो हैं बहुत बड़े रहते हैं डोर्सल फिन, जिनकी वजह से हर कोई रखना पसंद करता है। इसको भी आप विदाउट एनी मेंटेनेंस इसको फिशेस को रख सकते हैं, और ये बहुत अच्छी भी लगती हैं, ब्यूटीफुल लगती हैं अपने एक्वेरियम में रखने के लिए। और चौथा है एंजल फिश। एंजल फिश बहुत अच्छी फिशेस है, पीसफुल फिशेस है, वो फिशेस 6 इंच तक बड़ी होती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप 20 गैलन में रखें इसे, अगर छोटी टैंक है तो उसमें ना रखें। और ये जब बड़ी होती है तो अग्रेसिव होती है, इसलिए इसका ध्यान रखें अगर टैंक में रखना चाहते हैं तो। और पाँचवा है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश बहुत आसानी है और ईजी चॉइस है, हर कोई इसको रखना पसंद करता है और बहुत फेमस फिश है एक्वेरियम के लिए, लेकिन आप इसको दूसरी फिशेस के साथ नहीं मिक्स कर सकते, जैसा कि टेट्रास, एंजल फिश, किसिंग ओरामी, टिनफिन बर्ब और गप्पीज के साथ नहीं रह सकते। आप दूसरे फिशेस के साथ रखेंगे तो फिशेस आसानी से रहेंगी, और ये फिशेस विदाउट हीटर भी रह सकती है, और ये फिशेस बहुत जल्दी बड़ी होती है, इसलिए ध्यान रखें कि एटलीस्ट 20 गैलन का टैंक हो। और छठवा है प्लेको। प्लेको फिशेस बहुत देखने में तो उतनी अच्छी नहीं लगती, अगली लगती है, लेकिन हेल्पफुल है अपने टैंक के लिए, चीप भी है और बेस्ट भी है। इससे ये फिशेस सिर्फ आल्गे ईट करती हैं, जिससे आपकी टैंक जो है साइड में बॉटम में जो भी आल्गे लगा हो उसको क्लीन करती रहती है, पीसफुल भी है और इसको आसानी से आप रख सकते हैं। लेकिन ये जब फिशेस बड़ी हो जाती है तो अग्रेसिव हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने एक्वेरियम में हेडिंग प्लेस ज़रूर रखें। और सातवां है ड्वार्फ गोरामी। ड्वार्फ गोरामी बहुत पीसफुल फिशेस हैं और बहुत सही फिशेस हैं, अगर आप इसको पेयर बना कर रखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेंगी, और साथ में जब भी रखेंगे तो पेयर ही रखें। ये फिशेस 3 इंच तक बड़ी हो जाती है और एटलीस्ट 10 गैलन की टैंक होना ज़रूरी है, और इस फिशेस को आप कम्युनिटी टैंक में भी रख सकते हैं। पीसफुल फिशेस हैं और लार्ज फिशेस के साथ ना रखें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, अगर हेल्पफुल है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इसी तरह वीडियो पर बने रहिए, हर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मैं आता रहता हूँ। फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, सब्सक्राइब करें।